किसान के सभी संगठनों ने और सभी राजनीतिक पार्टी के सांसद एक सांसद ने निर्णय लिया है किसान संसद बुलाने का। किसान संसद में देश के लगभग सभी पार्टी के सांसद को, एमएलए को, ब्लॉक प्रमुख को, इन सभी लोगों को हम लोग दिल्ली बुलाएंगे। यह डेट मेरे ख्याल से 26 जनवरी के पहले ही तय हो, लेकिन ये निर्णय साफ ले लिया गया है कि किसान संसद दिल्ली में बुलाया जाए। हम सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे इसके पहले भी अगस्ता कंपनी के मामले में एक निर्णय आया था जो सरकार ने बाद में उसको लागू कर दी। ऐसे कई निर्णय जब लोकसभा के द्वारा पारित हो जाता है दोनों सदन के द्वारा, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के लिए बहुत गुंजाइश नहीं रह जाती। तत्काल कानून को रोकने की जो बात आई है और ये जो आई है कि किसान जगह को चेंज करे, तो हम चाहते हैं कि संसद भवन के आगे वाला जगह दे दिया जाए या बोट क्लब दे दिया जाए, या नहीं जो मैदान है, नहीं रामलीला मैदान, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन नहीं रुकेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। जन किसान संसद को प्रत्येक पंचायत में लगाने की तैयारी होगी। दिल्ली के बाद हम लोग पंचायत स्तर तक किसान संसद लगाएं। अब हिंदुस्तान में ना तो सत्ता पक्ष को मतलब है ना विपक्ष को मतलब है, जरूरत है सड़कों पर उतरकर किसानों को साथ देने। जन अधिकार पार्टी हर परिस्थितियों में आर पार की लड़ाई किसानों के सवाल पर लड़ेगी। और एमएसपी कानून जब तक नीतीश जी वापस नहीं लेंगे तब तक ये लड़ाई बिहार में जारी है। इसी कड़ी में बिहार में किसान मजदूर रोजगार यात्रा की शुरुआत की गई है जो मार्च में गांधी मैदान में हम लोग किसान को बुलाने का और पूरे देश के किसान संगठन के हर किसान संगठनों के नेताओं को बुलाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। तो हम अपील करते हैं, आग्रह करते हैं सभी दलों के सांसदों से कि आप भी किसान के बेटे हैं और किसान मजदूर के बगैर कोई रास्ता इस देश में नहीं बचा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारा राइट है आंदोलन करने का, किसान की भागीदारी उसमें होगी कि नहीं कमेटी में वो तो वो तय करेंगे किसान संगठन, लेकिन मेरा मानना है कि जब लोकसभा राज्यसभा से दोनों सदन से पास होने के बाद
क्या कमिटी का कोई औचित्य बनता है? ये कमिटी क्या निर्णय दी? लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद सरकार तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगी? तो ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि आप इसको सदन में दोबारा लाएं, और सरकार अड़ी भी है कि मैं नहीं लाऊंगा, कानून वापस नहीं होगा। कंप्लीट रूप से जुगाड़कर गूगल के मालिक को अदानी अंबानी के साथ है वो। तो ऐसे हालात, ऐसे परिस्थितियों में हम लोग क्रमबद्ध आंदोलन को करते रहेंगे, और मेरा मानना है कि जो आंदोलन चल रहा है वो कहीं से भी किसी भी पब्लिक को बाधा नहीं पहुंच रही। खट्टर ने परसों भी कह दिया कि कानून वापस नहीं होगा। जब एक देश के सरकार का मुख्यमंत्री कह रहा है कानून वापस नहीं होगा, और लगातार केस पर केस वो किए जा रहे हैं, 900 लोगों का अभी तक केस हो गया, 63 किसान अभी तक डेथ कर चुके हैं, कितने किसानों के लाभ पर कानून वापस होगा? 63 नेताओं की बेटी बीवी बच्चा और नेता क्या अपने परिवार को 48 घंटा पानी और ठंडा में बैठने देते? पूंजीपतियों के लिए अध्यादेश आ जाता है, नेताओं को बचाने के लिए अध्यादेश आ जाता है, और जब हिंदुस्तान के निर्माण करने की भूमिका किसानों की है तो उसके लिए अध्यादेश वापस नहीं होता। इसीलिए इस सरकार पर भरोसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता है। दूसरा, वैक्सीनेशन आश्चर्य, हर चीजों की राजनीति। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन को लगाने का निर्णय है, सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए नहीं होती। हर मुद्दे का राजनीतिकरण इस देश में, आज मुद्दा किसान है तो किसान के मुद्दों को भटकाने के लिए वैक्सीनेशन के मुद्दों का राजनीतिकरण। हम वैज्ञानिकों पर गर्व करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन का भी श्रेय अभी नेता लोग लेने लगे, पॉलिटिशियन। तो दुर्भाग्य है इस देश का कि हम दूसरे देश से सीखते भी नहीं। आश्चर्य होता, और वैक्सीनेशन इनके पास संख्या बहुत कम है, 1 से 3 करोड़ लोगों तक का वैक्सीनेशन लगाने का इनके पास संख्या है। ये पहले डॉक्टर्स को, बैरियर को जो काम करते हैं उनको न लगाए, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो जुबानी जंग है, मैं मानता हूं ये बिल्कुल ही निहायत गलत परंपरा है। कौन पहले लगाए, कौन बाद में लगाए, ये इच्छा से के अनुसार है। जिनको लगाना होगा वो लगाएंगे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, प्रॉपर वे में कॉमन आदमी को वैक्सीनेशन आप लगाइए। यदि आपके पास वैक्सीनेशन है 3 करोड़ से ज्यादा, तो अंतिम व्यक्ति जो है वहां से शुरुआत। पॉलिटिशियन या पूंजीपति या बड़े लोग, पॉलिटिशियन तो डेली लाखों के बीच में जा रहे हैं, कहीं मास नहीं है, लाखों लाख पब्लिक को मास नहीं होता है। कलकत्ता में, बंगाल में, हैदराबाद में, बिहार में आज 47 दिनों से किसान बैठा हुआ है, क्या वहां सैनिटाइजर और मास है क्या? इसलिए पॉलिटिशियन जो घर में बैठ करके
ट्वीट करते हैं और पब्लिक से मिलने का काम नहीं करे और उन्हें भी वैक्सीनेशन की जरूरत है, मुझे तो आश्चर्य है। यदि पप्पू यादव से कोई पूछे क्या वैक्सीनेशन की जरूरत आप लगाएंगे तो मैं तो कहूंगा कि मुझे तो आज तक महसूस नहीं हुआ वैक्सीनेशन। हम तो 70 लाख लोगों से मिल चुके, हमने तो कभी ना सैनिटाइजर लगाया ना तो मास्क लगाया। इसीलिए मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा वैक्सीनेशन पर राजनीतिकरण ना हो। नीतीश जी से आग्रह करेंगे वैक्सीनेशन से ज्यादा जरूरत है बिहार के 11.5 करोड़ लोगों का जो आज माली हालत है, जो छोटे किसान है, 92% सीमांत किसान है और हम लोगों का डिमांड भी है। परसों भी हमने इस बात को कहा कि MSP कानून सिर्फ 5-6-7 फसल के लिए नहीं, अब बिहार में तो 2 फसल के लिए MSP, धान और गेहूं, उसके बाद जितनी पशुपालन के द्वारा जो चाहे दूध है, मुर्गी है, अंडा है, इस पर MSP क्यों नहीं? धनिया, मिर्ची पाउडर, अदरक, हल्दी, प्याज, आलू, टमाटर, जो फल है, इस पर MSP क्यों नहीं? सबसे ज्यादा तो MSP लागू इसी पर होना चाहिए। ये छोटे काश्तकार, छोटे किसान, सबसे ज्यादा छोटी छोटी दलहन है, तेलहन है, दाल है, ऐसी चीजों पर वैक्सीन MSP लागू है ही। तो जन अधिकार पार्टी का कंप्लीट है नीतीश जी, नॉर्मल वे में वैक्सीनेशन आप अपनी टीम को, अपनी कमेटी को आप करिए कि अंतिम व्यक्ति तक वैक्सीनेशन लगे, इस पर राजनीति ना हो। लेकिन आप जो 2006 में MSP को लागू किए उसको आप वापस लीजिए, ये मेरा आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। 16 तारीख को शुभारंभ जब होगा जबरनता तो वहाँ पर जाएंगे पप्पू यादव भी कुछ जाते हैं क्या? नहीं, मुख्यमंत्री हैं, स्वतंत्र हैं हर जगह जाने के, उसमें क्या दिक्कत। राष्ट्रीय जनता दल और उसके सहयोगी दल 25 तारीख को मानव श्रृंखला बनाएंगे किसान की, तो क्या पप्पू यादव साथ है उनके? भैया मुझे तो समझ में नहीं आता है, 15 तारीख को कांग्रेस बना ली, लगातार हम लोग की लड़ाई तो चल रही है और हम लोगों ने तो सभी विपक्ष को कहा है कि आप संसद, किसान संसद में आइए, आप आंदोलन में रहते नहीं है। और जब आंदोलन बारिश और ठंड के बीच में 47 दिन बीत गया तो ये विपक्ष कहां गए थे? हर चीजों की राजनीति करने की फितरत हो गई है विपक्ष और सत्ता पर, बस औपचारिकता निभानी है इन लोगों को। इन लोगों को किसान के लिए लड़ना नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी है इसलिए औपचारिकता निभा रही है। इसके अलावा ये इनका लास्ट बैरियर यही है, ये सही नहीं। हम चाहेंगे जिसमें भी किसान के आंदोलन में जो कोई जहां होगा वह जन अधिकार पार्टी सहयोग लेगी, सहयोग करेगी। जैसे पैक्स में बार बार कहा जाता है कि पैक्स के कानून के द्वारा जो है धान खरीदी वगैरह हो रहा है, लेकिन बहुत 1,23,000 टन धान पैदा हुआ बिहार में और 40 लाख टन खरीदने का आदेश है मात्र, और 20% पैक्स को खरीदने का मात्र आदेश है। इस सरकार को कुछ आता ज्ञानवान है क्या? अगले बार 73 लाख टन गेहूं हुआ और 1 कलमा गेहूं नहीं खरीदा गया, 1 कलमा नहीं, और इस बार 1,24,000 टन धान हुआ और आप कह रहे हो 40 लाख टन खरीदो और पैक्स को कहते हो कि मात्र 30% धान कर दो। बारे ज्ञान, अब वो पैक्स का जो अध्यक्ष है वो बिचौलिया का धान खरीदता है।